हेलो एवरीवन, आई एम दुर्गेश कुमार मिश्रा एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस। वंस अगेन आई एम प्रेजेंट विद फाइव मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ पीपल एंड इन्वॉल्वमेंट, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। ऑप्शन है ए, द वाटर वेपर ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट, बी द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, सी ऑल द सोलर रेडिएशन, या फिर डी द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। तो प्लीज आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, क्योंकि ऑप्शन से ए, कार्बन डाइऑक्साइड एयर के वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है और हीट को रिटेन करता है, ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड सोलर रेडिएशन के अल्ट्रावायलेट पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड सारे सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, या फिर डी, कार्बन डाइऑक्साइड सोलर रेडिएशन के इंफ्रारेड पार्ट को एब्जॉर्ब करता है। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड सोलर रेडिएशन के इंफ्रारेड पार्ट को एब्जॉर्ब करता है, तब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। अब आइए डिस्कस करते हैं सोलर रेडिएशन के बारे में। सोलर रेडिएशन टू टाइप्स की होती हैं, पहला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और दूसरा इंफ्रारेड रेडिएशन। ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस ये दोनों रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं, मगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि सनबर्न, झुर्रियाँ पड़ना या जल्दी बूढ़ा दिखना। मगर इंफ्रारेड रेडिएशन से जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का इंक्रीज होना। तो जितना ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी उतना ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। The formation of ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. What could be the reason for the formation of this hole? Antarctic region में ozone hole का formation होना बहुत बड़ी समस्या का कारण है। Ozone hole के formation होने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है ए, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, एंड ऑप्शन डी, इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल होने के पीछे क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अंटार्कटिक रीजन में प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट का प्रेजेंट होना और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का प्रेजेंट होना और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा बढ़ने से अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल फॉर्म हो रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, अंटार्कटिक रीजन में केमिकल एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन एग्जिस्ट करने की वजह से ओजोन होल फॉर्म हो रहा है। वहाँ पे वेरी लो विंटर टेम्परेचर होने की वजह से पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं और इस वजह से ओजोन होल की फॉर्मेशन हो रही है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस इज इंक्रीजिंग, Why is this phenomenon a cause of concern? ओशन की एसिडिफिकेशन बढ़ रही है और ये फेनोमेनन समस्या का कारण क्यों है? तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हुए हैं और आप लोगों को इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके
यह बताना है कि ओशन की एसिडिफिकेशन समस्या का कारण क्यों है और इसके लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस क्या है। तो जब ओशंस में यानी समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे समुद्र का पानी एसिडिक हो जाता है और इसी को एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस कहते हैं। एसिडिफिकेशन से ओशन की पीएच वैल्यू डिक्रीज होने लगती है और एसिडिफिकेशन का एक्वेटिक एनिमल्स पे और एक्वेटिक हैबिटेट पे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है। अब आइए चलते हैं अपने स्टेटमेंट पर। पहला स्टेटमेंट है द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैल्केरियस फाइटोप्लैंकटन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। कैल्केरियस फाइटोप्लैंकटन की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है क्योंकि कैल्केरियस फाइटोप्लैंकटन के ग्रोथ और सर्वाइवल पर एसिडिफिकेशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। कैल्केरियस फाइटोप्लैंकटन क्या है? कैल्केरियस फाइटोप्लैंकटन एक तरह का मैरीन अल्गाई है जो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भोजन होती है। अगला स्टेटमेंट है द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैरल रीफ्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। प्रवाल भित्तियों की वृद्धि और उत्तरजीविता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो एसिडिफिकेशन का कैरल रीफ्स जिसे हम प्रवाल भित्ति कहते हैं इसके ग्रोथ और सर्वाइवल पर भी एसिडिफिकेशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगला स्टेटमेंट है द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स डेट है फाइटोप्लैंकटोनिक लार्वा विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। कुछ जानवरों के जीवित रहने से फाइटोप्लैंकटन लार्वा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है क्योंकि कुछ एनिमल्स जिनके पास फाइटोप्लैंकटन लार्वा होता है उन पर एसिडिफिकेशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो यह स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। क्लाउड सीडिंग और बादलों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है क्योंकि एसिडिफिकेशन से क्लाउड सीडिंग और क्लाउड के फॉर्मेशन पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओशन एसिडिफिकेशन कैरोन, कैल्केरियस प्लैंकटन, क्रस्टेशियंस इन जैसे जीवों की कैल्सिफाइंग क्षमता को डिक्रीज करता है और एसिडिफिकेशन क्लाउड फॉर्मेशन और क्लाउड सीडिंग पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ओशन एसिडिफिकेशन समस्या का कारण है और इसके लिए चारों ही ऑप्शन सही होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कार्बन क्रेडिट के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कार्बन क्रेडिट्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है द कार्बन क्रेडिट सिस्टम वाज रेडिफाइड इन कंजक्शन विद द क्योटो प्रोटोकॉल। कार्बन क्रेडिट प्रणाली को क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में पुष्टि की गई थी। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि कार्बन क्रेडिट सिस्टम को क्योटो प्रोटोकॉल में ही रेटिफाइड किया गया था। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। हमारा अगला स्टेटमेंट है कार्बन क्रेडिट्स आर अवार्डेड टू कंट्रीज और ग्रुप्स डेट हैव रिड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैसेस बिलो देयर एमिशन कोटा। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को दिया जाता है जिन्होंने अपने उत्सर्जन कोटे के नीचे ग्रीन हाउस गैसों को कम किया है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं कंट्रीज या ग्रुप्स को दी जाती हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस को उनके एमिशन कोटा से कम किया है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज ऑफ कार्बन एमिशन कोटा। कार्बन क्रेडिट सिस्टम का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन कोटा में वृद्धि को सीमित करना है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की लिमिट डिसाइड करना कार्बन क्रेडिट का वर्क है, गोल है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। हमारा लास्ट स्टेटमेंट है
कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एट अ प्राइस फिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द यूनाइटेड नेशंस गवर्नमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रस्ताव द्वारा समय समय पर तय किए गए मूल्य पर कार्बन क्रेडिट का व्यापार किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट्स का कभी व्यापार नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है और यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। अब आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट एक परंपरागत पारित या प्रमाण पत्र है जो धारक को एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर उत्सर्जन का अधिकार प्रदान करता है। यह अनिवार्य रूप से ऐसी गैस उत्पादकों के लिए एक ऑफसेट है। कार्बन क्रेडिट का निर्माण ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने के लिए और औद्योगिकी गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लिए किया गया है। नाउ आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एक्ट्स। पहला है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, तीसरा कस्टम्स एक्ट 1962 और चौथा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। विच ऑफ द अबव एक्ट्स हैव रिलेवेंस टू बियरिंग ऑन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द कंट्री। यहाँ पे इंडिया के रेफरेंस में कुछ सेंट्रल एक्ट्स दिए गए हुए हैं और आप लोग को ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक्ट हमारी कंट्री में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए रिलेवेंट हैं। तो यहाँ पे एक्ट्स के नाम है, पहला इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, दूसरा माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 और तीसरा है कस्टम्स एक्ट 1962 और चौथा है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों सेंट्रल एक्ट्स ही हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए रिलेवेंट हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं उन सारे एक्ट्स के बारे में जो हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए रिलेवेंट हैं। तो इसमें पहला है फिशरीज एक्ट 1897, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट 1914, द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937, इंडियन कॉफ़ी एक्ट 1942, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1947, रबर प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्ट 1947, टी एक्ट 1953, माइनिंग एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, कैडमैन एक्ट 1965, द पेटेंट्स एक्ट 1970, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मैराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, टोबैको बोर्ड एक्ट 1975। तो ये सारे सेंट्रल एक्ट से जो हमारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए रिलेवेंट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल JK कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू।